नमस्कार, फॉलोअप के इस लाइव में फिर से आपका स्वागत है। आप अगर पिछली लाइव में आप साथ में थे तो आपको मालूम होगा कि इस वक्त मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में हूं, और जो बैठक पिछले दो ढाई घंटे पहले शुरू हुई थी वो अब समाप्त हो चुकी है। वो इसलिए बोल रहे हैं कि कुछ देर पहले जो आधिकारिक जो ग्रुप है IPRD सूचना विभाग का, उसमें एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है। हालांकि अगर उस प्रेस विज्ञप्ति के सहारे आप तक न्यूज पहुंचाएं तो वो काफ़ी डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है इस बैठक के इतर। दरअसल जो प्रेस विज्ञप्ति है और जो खबर है वो दोनों एक दूसरे से विरोधाभास है। वो दरअसल इसलिए क्योंकि जो प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह बताया गया है इस बैठक के बारे में कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने विधायकों के साथ, जिसमें कि UPA के तीनों घटक दल यानी कि JMM, कांग्रेस और राजद के सभी विधायक मौजूद थे, उसमें उन्होंने राज्य में हो रही कम बारिश पे चिंता जाहिर की है, सुखाड़ पे चिंता जाहिर की है, और इसके अलावा विधायकों ने मुख्यमंत्री के सामने चिंता व्यक्त की है विकास योजनाओं को लेकर के। यानी कि सारे विधायकों ने अपने क्षेत्र वार जो भी समस्याएं थी उससे संबंधित मुख्यमंत्री को अवगत कराया। ऐसा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सरकार के तरफ से सूचना विभाग के जरिए प्रेस को बताया गया है। लेकिन इसके इतर जो खबरें हैं वो आपको मालूम है कि दरअसल पूरे झारखंड में चल क्या रहा है। पिछली दफ़ा जब मैं लाइव आया था उस समय हमने आपको बताया कि 38 विधायक इस बैठक में शामिल हुए थे, लेकिन उस लाइव सेशन समाप्त होने के बाद दो और विधायक JMM के इस बैठक में शामिल हुए, जिससे जो खबरें निकल कर के आई कि 40 विधायक जो है इस बैठक में रहे। या आंकड़ा इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि कोई संकट है संख्या को लेकर के कोई संकट नहीं है, लेकिन जो राजनीतिक सरगर्मी, जो तपिश बढ़ी हुई है लगातार हो रही बारिश के बावजूद, वो ये है कि हेमंत सोरेन की विधायकी पे जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं और अब कभी भी चुनाव आयोग के द्वारा फैसला आ सकता है, वो हो सकता है कि हेमंत सोरेन के पक्ष में नहीं हो, और उसके बाद की रणनीति को लेकर के ही ये बैठक चल रही है। एक जो महत्वपूर्ण बयान जब इस बैठक के बाद जगन्नाथ महतो, जो हेमंत सोरेन की कैबिनेट में शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने बाकायदा ये कहा, एक लाइन में उन्होंने जो संदेश दिया है वो महत्वपूर्ण है, और उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने रहेंगे। यानी कि किसी भी परिस्थिति में जब तक कि कोई कानूनी बाध्यता, संवैधानिक बाध्यता नहीं आन पड़ती है, तब तक मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन काम करते रहेंगे। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जिस तरीके से चुनाव आयोग के तरफ से जो फैसला आता है, अगर वो हेमंत सोरेन के अनुरूप नहीं आता है, उनके विरोध में कोई फैसला आता है और जो संवैधानिक संकट बनता है उससे कैसे निपटा जाएगा। हालांकि कोई डाटा या फिर कोई प्रारूप तो मीडिया के सामने कोई रखने वाला नहीं है, अब के कुछ देर बाद भी जब लोग मीडिया से रूबरू होंगे, लेकिन कोई भी जो है खुल करके यह कुछ बोल नहीं रहा है कि अंदर बातचीत क्या हुई। आप समझदार दर्शक हैं, आपको अगर राजनीति और ख़ास करके झारखंड की राजनीति जो मौजूदा है उससे अगर आप वाकिफ हैं, उस पर नज़र रख रहे हैं, तो आप कम से कम यह तो नहीं ही मानेंगे कि अंदर जबकि पूरे UPA के विधायकों की बैठक हो रही थी तो वहाँ पर सुखाड़ पर चर्चा हो रही होगी। मुझे नहीं लगता है कि जो झारखंड को समझने वाले लोग हैं या फिर झारखंड की राजनीति में जो दिलचस्पी लेने वाले लोग हैं, उनके लिए यह खबर जो कि सरकार के द्वारा जो बताई गई है वो मतलब एक्सेप्टेबल है। उनको लगेगा ऐसा कि हाँ, ये सही है कि सुखाड़ पे चर्चा हो रहा होगा। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से ये जो बैठक हुई और बैठक के बाद जो लोग निकल करके बोलने से बच रहे हैं उससे क्या कुछ समझा जा सकता है, और झारखंड की राजनीति में जो चीज़ें करवट ले रही है, झारखंड की राजनीति में जो हालात बने हुए हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके भाई बसंत सोरेन
और कई ऐसे लोग जिन पे जो कानूनी अड़चने आई हैं उसमें क्या कुछ निकल करके आता है। आप देखिए कि मेरे ठीक पीछे मीडियाकर्मी अलग अलग नेताओं से जो निकल करके आ रहे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए बन्ना गुप्ता क्या बोल रहे हैं। बन्ना गुप्ता जो मैं सुन पा रहा हूँ वो मीडिया कर्मी को यही बोल रहे हैं कि कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है जिसपे चर्चा किया जा सके, ये पूरी की पूरी बैठक राज्य के विकास और जो आगामी जो योजनाएं हैं उसमें कैसे तेजी से उस पर काम किया जा सके उस पर चर्चा हो रही थी। कुल मिलाकर के अगर बैठक से निकले विधायकों और नेताओं की बातों को अगर आप समझेंगे तो एक जो अंदर लगता है कि यही तय कर लिया गया है कि बाहर में मीडिया के सामने कुछ भी बयान नहीं देना है, और यही वजह है कि प्रेस रिलीज भी जो भेजा गया है मीडिया कर्मियों को उसमें भी इस मुद्दे से इतर सुखाड़ और विकास योजनाओं का जिक्र किया गया है। तो स्पष्ट है कि जो भी लोग यहाँ से निकलेंगे वो खुल करके कुछ नहीं बोलेंगे। शायद यही यूपीए ने यहाँ इस बैठक में रणनीति बनाई होगी आखिर में जब बैठक समाप्त हो रहा होगा, तो आप देखिए कि उसी के मुताबिक जो नेता निकल रहे हैं मंत्री निकल रहे हैं वो लोग भी इसी चीज़ को दोहरा रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल बातचीत नहीं थी, कोई पॉलिटिकल संकट नहीं है सरकार पे। हालांकि कोई भी एक बच्चा जो राजनीति की खबरों को देखता है या राजनीतिक शास्त्र का विद्यार्थी है या फिर राजनीति में दिलचस्पी ले रहा है या फिर राजनीति सीख रहा है या कर रहा है उसको मालूम है कि किस तरीके की राजनीतिक करवटें जो है झारखंड ले रहा है और क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर। तो आप या तो इन नेताओं की बातों को सुनिए और उसी को सही मान लीजिए या फिर उन बयानों की मजबूरी को समझिए कि आखिर क्यों ऐसा बयान दिया जा रहा है या फिर उस बयान के पीछे क्या कुछ चल रहा है उसको आपको समझना है। आप देखिए कि कोई भी लोग बोल नहीं रहा, मीडिया कर्मी कोशिश कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं गाड़ियों के पीछे, बारिश हो रही है, हम लोग खुद छाते में यहाँ पे खड़े हैं और कोशिश यही है कि उनके जुबानी जो है आप तक कुछ बातचीत पहुँचाई जाए, लेकिन सारे नेता बच रहे हैं, कोई भी कुछ भी बोलने से जो है कतरा रहे हैं। आप देखिए कि तस्वीरों में जो है मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे जो है मीडिया के लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी एक का बाइट वगैरह हो जाए। सारे मीडिया कर्मियों को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मौजूद हैं सीएम हाउस के अंदर परिसर में, और कोशिश यही है कि इस बारिश में जो राजनीतिक तपिश बढ़ी है झारखंड की उससे क्या कुछ निकल करके आता है और वो आप तक पहुंचाने की ये कोशिश है कि बारिश में लोग यहाँ पे खड़े हैं। तो इंतज़ार कीजिए और जब चीज़ें यहाँ से कुछ ठोस निकल करके आएगी तो फिर से फॉलोअप के ज़रिए जो है हम लोग आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल जो अपडेट है वो यही है कि बैठक समाप्त हो गई है, एक एक करके अब सारे नेता सारे विधायक जो हैं वो निकल रहे हैं। हो सकता है कि देर शाम तक अगर कोई ऑफिशियली बयान नहीं आता है, अनऑफिशियल ही सही जो चीज़ें सामने निकल करके आएंगी विधायकों से फ़ोन कॉल्स के जरिए या फिर जिस तरीके से जो खबरें निकल सकती है, हम लोग यही कोशिश करेंगे कि बैठक में आज मुख्यमंत्री जब मौजूद थे उनके साथ जब यूपीए के सारे विधायक मौजूद थे तो उसमें क्या कुछ निकल करके सामने आया है। लेकिन फ़िलहाल तो यही है कि कोई भी कुछ भी बोलने से बच रहा है, मतलब स्पष्ट है कि अभी जब बैठक समाप्त हुई होगी और उसके पहले एक रणनीति स्पष्ट तरीके से बना लिया गया है कि कोई भी मीडिया में जाकर के बयानबाजी करने से बचें। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि यही वजह है कि मीडिया में जो खबरें दी गई है सूचना विभाग के द्वारा उसमें भी बाकायदा इस खबर से इतर सूचना दी गई है कि सुखाड़ पर बैठक हो रही है और विकास योजनाओं को लेकर के चर्चा हुई। आप समझदार दर्शक हैं, आप मुझे नहीं लगता है कि आप लोग भी ये बात को मानेंगे कि यहाँ पर जब मुख्यमंत्री अपने विधायकों के साथ बैठक कर रहे थे तो इन सब चीज़ों पर चर्चा हुई होगी। ठीक है, अगर हुई भी होगी इसके अलावे जो चीज़ें निकल करके जो आ रही है भीतर खाने से वो आपको मालूम है कि बहुत सारी चीज़ें जो बदल रही है झारखंड की राजनीति में, हेमंत सोरेन की विधायकों को लेकर के जो संकट है उन सारे सवालों पर भी चर्चा होनी थी। हालाँकि कोई भी लोग कोई भी नेता विधायक मंत्री कोई भी हो जो बैठक से निकल रहे हैं वो खुल करके कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। मीडियाकर्मी लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि उनके
उनसे जो है कुछ बातें कहलवाई जाए, अंदर की बात निकाली जाए, लेकिन अब तक वो लोग बचते ही रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि देर शाम तक जब भी ऑफिशियली अनऑफिशियली कुछ भी जो खबरें महत्वपूर्ण हैं वो आप तक पहुंचाई जाए। तब तक आप फॉलोअप से जुड़े रहिए, और अगर आपको लगता है कि हम लोग ऑथेंटिक खबरें आप तक पहुंचाते हैं तो शेयर भी कीजिए। शुक्रिया।